प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया तो ये समझ लो 70 परसेंट ऑफ द प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन कैसे सबसे पहले एयरलाइन आपसे कोई ना कोई एक एप्लीकेशन भरवाती ही भरवाती है आपके इंटरव्यू से पहले या रिटर्न से पहले सो मेक श्योर यू हैव अ कॉपी ऑफ ऑल द एप्लीकेशन विच यू सबमिटेड विद द एयरलाइन क्योंकि आपका इंटरव्यू उसी के इर्द गिर्द जाएगा और जो आपने रिज्यूमे दिया है मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो आपने एयरलाइंस के साथ शेयर करी है क्योंकि कहीं कुछ ऐसा ना कि आपने पहले तो लिख के भेज दिया और फिर जब आपसे पूछा गया तो आप ब्लैंक हो गए करे, यार ये तो मुझे पता ही नहीं so, आपको पता होनी जो है वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू रिटर्न तो आपका हो ही गया है बाकी के असेसमेंट्स हो गए नाउ दे वांट टू चेक ऑन यू कि भाई हाउ डू यू बिहेव आप कैसे बात करते हैं क्या कॉन्फिडेंस है और भी बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे जानना चाहते हैं Number कि अगर हम बात करें तो उसके बाद जो preparation में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो आपकी एयरलाइंस के बारे में तो पूछा ही पूछा जाएगा क्योंकि आप अ पायलट आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करने जा रहे हैं तो क्या आप इतनी सीरियस हैं क्या आप अपने जहां पर काम करने जा रहे हैं आर यू अवेयर अबाउट उसकी फ्लीट क्या है उसकी ग्रोथ क्या है वेयर डू यू लुक योर सेल्फ इन थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयरलाइंस के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए रेस्ट यू कैन डेफिनेटली डिस्कस विद योर यू नो फ्रेंड्स जो आपके बैचमेट्स हैं उनसे कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं यू कैन प्रैक्टिस विद योर रेस्पॉन्सेज एज वेल कि मैं उसको कैसे बोलूंगा कॉपी पेस्ट मत करो आप अपने प्रिपरेशन की तैयारी खुद करो क्योंकि आपका बोलने का तरीका और होता है लोगों का बोलने का तरीका और अलग तरीके से होता है इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस की वो आपकी होती है टेक्निकल नॉलेज जो टाइपरेटेड हो आप टाइपरेटेड वैकेंसी में जा रहे हो तो आपके लिए एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेकिन अगर आप टाइपरेटेड नहीं हो और आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो रेगुलेशन नेविगेशन नेविगेशन रेडियो नेविगेशन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़ के आए तो प्लीज एक टॉपिक जरूर प्रिपेयर करके जाएं जिससे आप कम से कम किसी भी चीज में एक कॉन्फिडेंस दिखा पाए दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर और अगर इन सारी चीजों की बात करें बिहेवियर से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो चेक करते हैं आपकी कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है एज ए टीम मेंबर आप क्या स्टेप लेना चाहते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी क्या हैं और जो आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं उन रिसोर्सेज में से आप मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूटिलाइज कर पाए तो ये सारी चीजें आपको एक सिचुएशन देकर के आपके अंदर का जो भी स्किल डेवलपमेंट एंड टीम प्लेयर है उसको निकालने की कोशिश करी जाती है जीडी के थ्रू अब जब सिमुलेटर असिस्मेंट की बात करते हैं उसमें आपका चेक किया जाता है कि कॉकपिट से आप फैमिलियर कितने हो स्टार्टअप प्रोसीजर्स आपको कितने पता हैं आपके फ्लोज कैसे हैं नॉर्मल फ्लाइट प्रोसीजर्स आपके किस तरीके से जो एसओपी हम किसी भी एयरलाइंस की बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं वो कितने अच्छे आपके प्रिपेयर्ड हैं दे वांट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन इंटरव्यू अब हम बात करें अपियरेंस एंड प्रोफेशनलिज्म की तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रेस कोड तो फॉर्मल ही होना चाहिए गाइस इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग बींग अ गर्ल प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए जो भी आपके ग्रूमिंग के पैरामीटर्स है वो प्रॉपर होने चाहिए लड़कों की बियर्ड है तो यहाँ उतना कोई इश्यू नहीं होता लेकिन ट्रिम प्रॉपर ट्रिम बियर्ड होनी चाहिए नहीं हो तो बहुत बढ़िया बात है दैट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ठीक है लेकिन अगर आपकी बियर्ड है और वेल well ट्रेम्ड है तो कोई इश्यू नहीं है आप उसके साथ भी सूट में टाई लगा के बढ़िया जेंटलमैन बन के जा सकते हो लड़कियों के लिए भी आई वुड आस्क यू टू गो इन अ सूट सो दैट गाइस इट इट लुक्स मोर प्रोफेशनल दिस इज व्हाट आई थिंक ज्वेलरी एंड एसेसरीज बिग नो गाइस बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है आप इनको इंटरव्यू के बाद यूज कर लेना उससे पहले हटा देना तो बहुत लोग क्या है कि कुछ ना कुछ पहन के चले जाते हैं दैट आई डोंट लाइक कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है वो ये है कि भाई इनकम्प्लीट आंसर्स नहीं देने हमें नहीं आता तो नहीं आता हम भगवान नहीं है हर चीज आना कोई जरूरी नहीं है सो डू नॉट ब्लफ कोशिश मत करो क्योंकि वो चीज आपने नहीं बनाई है बींग ओवरली नर्वस ये भी एक गड़बड़ है तो मतलब उन्हें लगता है कि यार ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कॉन्फिडेंस ही नहीं इसके अंदर ही तो किसी भी चीज़ में घबरा रहा है दिस इज नॉट गुड तो वो एक न, नेगेटिव चला जाता है थोड़ा बहुत चलता है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाता है लेकिन हर चीज़ में नर्वस हो जाओगे तो फिर वो दिक्कत बन जाती है नेगेटिव एटीट्यूड शो नहीं करना है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप इस इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते तो क्या होगा तो बी पॉजिटिव बी पोलाइट अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है आप इजीली कह सकते हो आई वो लव टू नो माय वीकनेस एंड आई कम बैक विद बेटर प्रिपरेशन एंड यस दिस इज नॉट एंड ऑफ माय लाइफ तो इस तरीके से हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बताते हैं तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच टू आस्क दिस काइंड ऑफ वेरी वैल्यूएबल क्वेस्टन इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू गाइज जिन्होंने नहीं पूछा है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है फॉर न्यू कमर्स चाहे कैडिट कर रहे हो सी पी एल कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी कई सारी स्टेजेज हैं सिलेक्शन की उसके बाद एयरलाइन की स्टेजेज हैं फिर एयरलाइन में भी स्टेजेज हैं सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ पायलट्स की जो जर्नी रहेगी आगे जा आई होप आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन विच यू वर लुकिंग फॉर सो गाइज थैंक यू सो मच सी यू सून